Hello students, in the last video we have studied about the Poisson and Laplacian equation in the static electric field. Now in this video we will study polarization in dielectrics. Okay, so we will find the equation for polarization vector P in case of dielectric. Okay, so polarization aapka agar hame calculate karna hai to hame yahan par electric flux density aur हमें रिलेशन चाहिए होगा E के बीच में. तो D क्या होता है आपका एप्सिलॉन E. ओके, क्लियर है अच्छे से. यहां पर आप जो पोलराइजेशन की डेफिनेशन है वो आप पढ़ेंगे जब मैं इक्वेशन डिराइव कर लूंगा तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आपका पोलराइजेशन इन डाइइलेक्ट्रिक्स. ओके, तो पोलराइजेशन इन डाइइलेक्ट्रिक्स ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं. क्लियर, तो यहां पर आप समझिए d इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन e होता है. यहां पर अगर मैं d की वैल्यू इस तरीके से लिख लूं एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इनटू e, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि जो एप्सिलॉन होता है वो क्या होता है एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r. ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं. एप्सिलॉन r जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, एप्सिलॉन आर का एक और फार्मूला होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन जीटा ई. ओके, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो 1 अपॉन जीटा ई. जीटा को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, तो जीटा जो है आपका जीटा ई जो है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, तो यहां पर जीटा ई है आपका. ओके, तो इसे क्या यूज है इसका, ये क्या होता है, तो जीटा ई होता है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, ये आपका मेजर करता है हाउ सेंसिटिव अ गिवन डाइइलेक्ट्रिक इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ओके, मींस ये आपको बताता है, ये मेजर करता है कि आपका डाइइलेक्ट्रिक कितना सेंसिटिव है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इट्स मेजर हाउ मच डाइइलेक्ट्रिक इज सेंसिटिव. ठीक है ना, डाइइलेक्ट्रिक इज सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, क्लियर है अच्छे से, टू इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर, तो यहां पर जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइइलेक्ट्रिक में होती है तो वो डाइइलेक्ट्रिक उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना सेंसिटिव होता है. ठीक है ना, ये आपको बताता है जीटा ई. क्लियर है अच्छे से, इस वीडियो को थोड़ा मैं स्लो लेके जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाए. ठीक है, थोड़े समझने वाले पॉइंट्स हैं यहां पर, ध्यान से समझिएगा. अब आप समझिए यहां पर, मैं यहां पर अगर d के फॉर्मूले में एप्सिलॉन r की वैल्यू पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा जीटा e प्लस 1 इनटू e हो जाएगा आपका. तो आपका जो d है वो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट जीटा e इनटू e प्लस एप्सिलॉन नॉट इनटू e. क्लियर है अच्छे से, तो यहां पर आप समझिए अब कि अगर आपका फ्री स्पेस होता, मैं एक केस लेके चल रहा हूं जहां पर मैं कह रहा हूं कि फ्री स्पेस है, मीडियम जो है आपका फ्री स्पेस है. ठीक है, तो फ्री स्पेस पे आपका जो d होता है वो क्या होता है एप्सिलॉन नॉट e होता है. क्लियर है अच्छे से, इसका मतलब यहां पर ये जो एक्स्ट्रा टर्म आया है आपका, ये जो टर्म है आपका, ये टर्म आपका किसके कारण है, ये टर्म आपका इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर है. ठीक है ना, ये टर्म आपका डाइइलेक्ट्रिक के कारण आया है. क्लियर है अच्छे से, तो इस टर्म को जो ये टर्म आया है आपका, इस टर्म को हम कहते हैं पी. ओके, तो ये केस तो आपका फिनिश हो गया. अब अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, प्रीवियसली हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, तो अगर इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दूं तो फ्रॉम 2 ये जो टर्म है ना आपका एप्सिलॉन 0 जीटा ई इनटू ई, ये टर्म आपका कहलाता है पोलराइजेशन. ओके, पोलराइजेशन इन डाइइलेक्ट्रिक्स. क्लियर है अच्छे से, तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है इसमें आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो इक्वेशन नंबर 2 में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड
is to increase D inside it by the amount P. Means, जो dielectric का effect है electric field पर, वो क्या है? उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण आपका जो D है ना, वो increase हो रहा है. वो increase हो रहा है by the amount P. देखिए, अगर dielectric नहीं होता, तो D सिर्फ और सिर्फ कितना होता आपका? Epsilon not E होता. लेकिन यहाँ पर epsilon not E plus क्या हो गया है आपका? P हो गया है. D आपका क्या हो गया है? Epsilon not E plus P. ओके तो ये इक्वेशन आपका क्या कंक्लूड कर रहा है? ये इक्वेशन आपका कंक्लूड कर रहा है द नेट इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ओके, ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इज टू इंक्रीज डी इनसाइड इट. ठीक है ना, द नेट इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू increase D inside it, means inside dielectric, by the amount P. Okay, clear अच्छे से. Means अगर आपका dielectric नहीं होता और free space होता, तो यहाँ पर D सिर्फ और सिर्फ क्या होता? Epsilon not E होता. Clear अच्छे से. तो ये होता है effect आपका dielectric का. तो बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि मीडियम जो आपका है वो फ्री स्पेस है. अब हम जो मीडियम है वो डाइइलेक्ट्रिक ले रहे हैं, तो जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम लेंगे हमें ये पी दिखेगा. क्लियर है अच्छे से. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं यहां पर फिर से. देखिए, हमने पोलराइजेशन इन डाइइलेक्ट्रिक का एनालिसिस करना था, तो हमने D इक्वल टू एप्सिलॉन E से स्टार्ट किया. एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन R होती है, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं. अब एप्सिलॉन R जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, उसका एक और फार्मूला हमने, नया फार्मूला डिफाइन किया, 1 प्लस जीटा ई. ओके, जीटा ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी. ओके, और ये क्या शो करती है कि हाउ मच डाइइलेक्ट्रिक इज सेंसिटिव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट. ओके, नाउ फिर हम लोगों ने डी के फॉर्मूले में एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी और हमें एक नया टर्म मिला, एप्सिलॉन 0 जीटा ई इनटू ई, व्हिच इज कॉल्ड पी, पोलराइजेशन. ओके, क्लियर है अच्छे से. मैं अभी इसका थोड़ा और एनालिसिस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइइलेक्ट्रिक का. तो यहां पर आप समझिए कि जो आपको कुछ टर्म्स यहां पर मिले हुए हैं लाइक एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर के कई सारे फॉर्मूले आप डिफाइन कर सकते हैं. एप्सिलॉन आर को आप बोल सकते हैं 1 प्लस जीटा ई, या आप एप्सिलॉन आर को बोल सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देखिए, आपने एप्सिलॉन को क्या बोला है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर आपका क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो आपको यह समझना है कि एप्सिलॉन आर क्या है आपका? रिलेटिव परमिटिविटी है. एप्सिलॉन क्या है आपका? सिंपल परमिटिविटी. और एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका? फ्री स्पेस परमिटिविटी. ओके, सारी ही आपकी परमिटिविटी ही है. क्लियर अच्छे से. नाउ यहां पर एक और पॉइंट समझना है आपको कि जो एप्सिलॉन आर है और जो जीटा ई है, दोनों ही क्या होंगे आपके? यूनिटलेस होंगे. ठीक है ना, क्लियर अच्छे से. देख लीजिए आप यहां पर, जब आप एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन करेंगे तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी और यूनिटलेस हो जाएंगे. नाउ जो एप्सिलॉन आर और जीटा ई है, वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं. एग्जाम में आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, उसके लिए आपको वरी नहीं करना. जो आपकी एप्सिलॉन नॉट है, उसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगी और इसकी यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, फैरेड पर मीटर. और वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10 की पावर -12. मैं बहुत सारे क्वेश्चन में ये वैल्यू ले चुका हूं ऑलरेडी, तो आपको याद हो गई होगी अब. ठीक है, क्लियर है अच्छे से. तो आपको ये बात भी समझनी होगी कि एप्सिलॉन आर जो है, उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है, इसे हम डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के नाम से भी जानते हैं. तो एग्जाम में हो सकता है रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड यूज ना करे और सिंपल क्या यूज कर दे? डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ओके, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है क्या? बेसिकली इज द रेशियो ऑफ
permittivity of the dielectric to that of the free space. Okay, means ratio of permittivity of dielectric to that of free space. यहाँ पर मैंने formula लिख रखा है epsilon upon epsilon zero. एक बार अगर आपको epsilon r पता चल गया तो zeta e निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. या अगर आपको zeta e पता चल गया तो epsilon r निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. Clear है अच्छे से? Now यहाँ पर कुछ points और हैं जो आपको बहुत अच्छे से clear होने चाहिए. उसमें से एक सबसे important point ये है कि अभी तक जो हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक पढ़ा है, ठीक है ना, सारे के सारे जो डायलेक्ट्रिक अभी हमने पढ़ा है, पूरा का पूरा एनालिसिस जो हमने देखा है, वो डायलेक्ट्रिक हमने पढ़ा है आइडियल, ठीक है ना. वी हैव स्टडीड आइडियल डायलेक्ट्रिक सो फार. ओके, बट प्रैक्टिकली कोई भी डायलेक्ट्रिक आपका आइडियल होता नहीं है, ठीक है. तो इस पॉइंट को आपको समझना होगा. देखिए, डायलेक्ट्रिक की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए ना. डायलेक्ट्रिक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ते हो, ठीक है ना. तो अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल डायलेक्ट्रिक की, तो प्रैक्टिकल डायलेक्ट्रिक का क्या मीनिंग होता है, ठीक है. तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं एक बार कि प्रैक्टिकल डायलेक्ट्रिक्स आपके क्या होंगे, ठीक है. तो प्रैक्टिकल डायलेक्ट्रिक के केस में आप समझिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर, डायलेक्ट्रिक के अंदर अगर सफिशियंटली लार्ज होगी, मीन्स डायलेक्ट्रिक के अंदर अगर सफिशियंटली लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, तो क्या होता है, इट बिगन्स टू पुल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है. क्या होने लगता है, ये चालू कर देता है इलेक्ट्रॉन को पुल करना फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिससे होता क्या है ना, डायलेक्ट्रिक बिकम्स कंडक्टिंग. डायलेक्ट्रिक जो है ना आपका, वो कंडक्टिंग होने लगता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा. क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो जब डायलेक्ट्रिक आपका कंडक्टिंग होने लगता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, तो इसे हम कहते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. क्लियर है अच्छे से? तो ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज सफिशियंटली लार्ज, ओके, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना चालू कर देगा मॉलिक्यूल से, तब आपका डायलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग, और इसे हम कहते हैं डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. ये लगभग आपका ऑल काइंड ऑफ डायलेक्ट्रिक्स में होता ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, कुछ भी आइडियल नहीं होता है, ठीक है. क्लियर अच्छे से? तो अब डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक मैं नया टर्म यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है आपको समझना होगा. बिल्कुल डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से ही मिलता जुलता है, उसी पर बेस्ड है एक्चुअल में. तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है आपकी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑकर्स इज कॉल्ड द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना. मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, क्लियर है अच्छे से. मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑकर्स, ओके, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑकर्स, ये आपका क्या कहलाता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है. क्लियर? इसको एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डायलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट और विथस्टैंड विथाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. मीन्स डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दैट अ डायलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट, जो डायलेक्ट्रिक टॉलरेट कर सकता है विथाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है ना. मतलब डायलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ठीक है ना, मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है जिससे आपका डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो, यही उस डायलेक्ट्रिक की क्या कहलाती है, आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है. क्लियर है अच्छे से? और जाते जाते इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ डायलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल दे देता हूं. यहां पर अभी तक हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक, लेकिन डायलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल्स क्या होंगे आपके. डायलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा, कोई मीडियम है आपका, ठीक है ना, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी सॉलिड, ओके, एनीथिंग, ओके. तो ग्लास, ग्लास इज अ डायलेक्ट्रिक, वॉटर इज अ डायलेक्ट्रिक, एनीथिंग इज अ डायलेक्ट्रिक. क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर मैं इस वीडियो को अब फिनिश कर रहा हूं. आई होप
आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक सिर्फ लिया इस वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक था, ज्यादा कॉन्सेप्ट थे इसमें, ठीक है, हम ज्यादा फैमिलियर नहीं थे इस टॉपिक से अभी तक, ठीक है। तो आज आप हमने सीखा है कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डायलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन आपका क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए आज से अब, ओके। अगर किसी भी कंसेप्ट में अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा, ओके, थैंक यू।